दिक्षांशु भाई, एक फोटो आपका वायरल हो रहा है जो रणजी का था, तो वो जब आपके पास आया तो आपको क्या लगा था कि यार ये क्या फोटो आ गया है? तो पहले तो मेरे को ये लगा ये सिचुएशन क्या थी जो तुमने फोटो खींची, फिर मैंने सोचा उस फोटो के बारे में कि ये कब था, किस टाइम का फोटो था। तो मेरे आई थिंक वो ओवर जब खत्म हुआ था तो मैं हेड लेके वापस जा रहा था, तो मैं बाल थोड़ा ठीक कर रहा था उस टाइम पे, तो वो तब का ही फोटो था वो, लेकिन वो सिचुएशन अलग हो गई थी जिसमें तुमने डाली। वो उस फोटो ने काफी फायदा दिया हम लोगों को। देखिए भाई, आप लोग, आप जैसे T20 की पहचान आपकी बनी थी पहले और इस बार आप उत्तराखंड से खेले, तो ये गेम एडजस्ट में कितना टाइम लगा आपको, और जब टीम में आए थे तो वहाँ से क्या बोला गया था कि अब आपने सीमित ओवर भी खेला था और फिर आपने वो डेज क्रिकेट भी खेले, तो कैसे एडजस्टमेंट किया, क्योंकि पहले तो अलग था पूरा सिनेरियो। एक्चुअली क्या था, मैं इतने साल से बैंगलोर में जब मैं अपना प्रैक्टिस वगैरह कर रहा था तो दैट यूजुअली जो वीक होती है 2 डेज होती है, तो मेरे को उससे काफ़ी बेनिफिट मिला कि अपना गेम अडेप्ट करने में, इसका क्या फॉर्मेट खेल रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं यूजुअली ज़्यादा चेंज तो नहीं करता मैं, क्योंकि मेरे जो शॉट्स हैं वो तो नेचुरल दोनों, जैसे कोई भी फॉर्मेट हो वो सेम ही रहता है, तो मैं ज़्यादा कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ये है कि अपने गेम को बैक करना होता है, मेन तो वही है, और बाकी सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से अपने आप को डालना है। जब आप लोगों ने, जब जैसे आपके साथ ही बहुत लोग खेलते हैं, जब आप लोगों ने क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो हमारे शहर में, हमारे नैनीताल में इतनी क्रिकेट होती नहीं थी, तो ये प्लान आउट करना है कि यार मुझे अपना जो करियर है वो क्रिकेट में ही बनाना है, उसके बाद आप बेंगलोर गए और फिर अपने राज्य के लिए खेलना, दीक्षित भाई कैसे आप देखते हो पूरी जर्नी को? देखिए, जब मैं यूजुअली ज़्यादातर आजकल क्या होता है कि बच्चों को पहले से बचपन से डाल देते हैं क्रिकेट में, लेकिन उस टाइम पे ऐसा तो कुछ नहीं था, हम जब बचपन में थे तो गली क्रिकेट वही रबर बॉल वगैरह वही खेलते थे। मैं 9th क्लास से मैं स्टेडियम जाना स्टार्ट किया था इधर हल्द्वानी में, तो थोड़ा बहुत एज अ मीडियम बेस स्टार्ट किया था, ठीक है, तो उस टाइम पे तो वही इंटरेस्ट था कि मीडियम पेस करनी है, तेज़ बॉल फेंकनी है और बैटिंग में लास्ट में आके खाली छक्के मारने, तो उससे वो क्रेज़ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मैं स्कूल क्रिकेट इधर जो भी होती लोकल वही खेला, तो अब जैसे जैसे अगर रेगुलर मैं जितना टाइम क्रिकेट को दे रहा था तो मेरा गेम भी इम्प्रूव हो रहा था, तो मैंने सोचा कि यार इधर आगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तो मेरे को लगा कि इधर यूनिवर्सिटी है मैक्सिमम लेवल खेलने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, स्टेट वगैरह कुछ नहीं है। ये कब की बात होगी, कब के अराउंड? 9th क्लास में था तो अराउंड 2007। अच्छा, 2007 की बात है अराउंड, तो उस टाइम से मैं सोच रहा था कि पहले तो 10th में आते ही मैं 9th से, जैसे 10th में एक साल मेरा अभी था क्रिकेट पे, तो मैंने पापा को बोला, पापा देखो मेरे सर लोग जो भी है कन्याल सर लोग, वो बोले कि स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ जाओ। अब उन्होंने घर, लेकिन वो बोले कि घर से तो चांस ही नहीं है अभी, जब तक का एक वन हैंड तुम स्ट्रॉन्ग नहीं कर लेते, मतलब कि सेफ कर लो एटलीस्ट कि पढ़ के, अगर उधर कुछ ना हो तो इधर कुछ हो जाए, तो 10th तक पहले बोला 10th तक पढ़ लो फिर चले आना, 10th से फिर 12th पढ़ लो फिर चले आना, अब 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन हो जाए फिर चले आना। तो फाइनली ग्रेजुएशन तक मैं इधर खेला, यूनिवर्सिटी खेला 2 साल, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप तुम जा सकते हो, लेकिन वहाँ कुछ जॉब वॉब भी करना साथ में, क्योंकि घर से तो इतना थोड़ा बहुत जितना भी सपोर्ट हो सकता है हम करेंगे, बाकी तो तुम्हें दिक्कत नहीं है। वो फिर बाकी फिर उधर जाके बैंगलोर गया मैं इधर से अपने सीनियर्स, कॉलेज के सीनियर्स के साथ, तो उनके साथ ही फिर एकेडमी भी उधर ज्वाइन किया, तो एक अराउंड 6 महीने के बाद मेरे को उधर लीग वगैरह खेलने का मौका मिला। KPL क्रैक किया आपने, ये कैसे क्रैक हुआ, फिर उसके बाद उसमें आपका जो खेल था काफ़ी अच्छा था, हम लोग यहाँ देखते थे और काफ़ी हवा भी था कि यहाँ एक उत्तराखंड का लड़का है जो वहाँ खेल रहा है। मतलब वही बैंगलोर जाके मैं जैसे लीग स्टार्ट किया, लोकल जो लीग होती है तो उसमें अच्छा स्कोर किया, तो जो भी उधर के सीनियर्स थे वो लोग हेल्प करते थे वो चीज़ में कि अगर ऑक्शन में अगर नाम अगर जाता है तो बाकी वो उनके ओनर्स वगैरह वो जान पहचान के रहते हैं जो भी बीडिंग में रहते हैं, तो उन लोगों ने सब काफ़ी सपोर्ट किया कि ये प्लेयर अच्छा है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो एज ए ऑलराउंडर, मैं बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता हूँ, ऐसा कम रहता है कि दोनों चीज़ें इक्वली आप अच्छा करते हो, तो सीनियर्स का काफ़ी सपोर्ट था। क्योंकि आपके करियर को हम देखते हैं तो ये KPL सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, जैसे भी हम बात कर रहे हैं तो आपने केवल बल्लेबाजी से नहीं गेंदबाजी से भी अच्छा करा था, और सबसे बड़ी चीज़ की हमें जो लगा पीछे से कि वहाँ काफ़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते थे, और शायद उत्तराखंड की टीम में आप ही ऐसे थे जिन्होंने इतना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के यहाँ खेला था, तो उनके साथ जो अनुभव आप लोगों ने आपने बांटा होगा उस समय यहाँ उत्तराखंड आने से पहले, वो कैसा था, वो क्या बताते थे? कर्नाटका यूजुअली अभी से बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, एस्टेब्लिश टीम है, तो उधर के प्लेयर्स जो भी रहते हैं मोस्टली सब मैच्योर्ड रहते हैं, तो इधर कंपेयर टू इधर और उधर अभी ये है कि डिफरेंस वही है कि एक्सपीरियंस का, उधर एक्सपीरियंस प्लेयर्स है तो जो भी चीज़ें वो बताएंगे वो खुद हो चुका है, खुद करी हुई हैं वो चीज़ें, उन्होंने उस दौर से गुजर चुके हैं, तो वो चीज़ वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने पर वही चीज़ें वो बताते थे कि इस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, क्या और अच्छा कर सकते हो, क्या चीज़ तुम मतलब नहीं करी है जो तुम आगे अच्छा कर सकते हो, वो सब चीज़ें काफ़ी हेल्प मिलती हैं उन सब।
उसमें जैसे बात करते हैं, मनीष पांडे भी थे, केएल राहुल भी और स्क्विड विनी भी, तो इंटरनेशनल प्लेयर से इंटरेक्ट करके जब आप इंटरेक्ट करते हो गए, पूछते हर कोई पूछता है, तो उस उनका रवैया क्या रहता था कि नया प्लेयर है उसको बताना चाहिए? वो सारे प्लेयर्स को यूजुअली एक सा ही ट्रीट करते थे, क्योंकि उन जो भी मतलब रहेगा उनके सामने, क्योंकि हर कोई पूछ, इंडिया प्लेयर है तो आप लोग चाहते ही हो कि यार चलो इंटरेक्ट, हमें मतलब यूजुअली हमारी जो भी क्वेरी रहती थी वो आराम से कूल माइंड होके वो मतलब रिजॉल्व करते थे, कोई भी अगर जरूरत पड़ी, वरना कोचेस उधर रहते थे, वो भी यूजुअली रणजी ट्रॉफी वगैरह खेले हैं जो पहले, वो सब कोचेस रहेंगे, तो ज़्यादा इतना ज़रूरत तो पड़ता नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी इनपुट हमें चाहिए या कुछ भी बात करना तो हम फोन ले जाके उनसे बात कर सकते थे। दिक्षांशु, आप बात करते हैं हम लोग KPL से उत्तराखंड में, जब आपका आपने डिसाइड किया कि यार अब तो मेरे स्टेट की भी टीम है और कोशिश करता हूँ कि हाँ इसे ट्रायल दूँ। लास्ट ईयर एक्चुअली जब फर्स्ट टाइम इधर एप्लीकेशन मिला था तो मैं उस टाइम पे KPL में बिजी था, तो मेरे को लगा कि जैसे इन्होंने ट्रायल का जब हुआ था तो मेरे को लगा कि इन्होंने केवल विजय जा रहे फॉर्मेट के लिए ट्रायल है, तो उधर के मेरे को मतलब NOC ही मिल नहीं पाया था उस टाइम पे, क्योंकि KPL में चल रहा था, तो मेरे को लगा कि चलो अगर विजय जा रहे के लिए नहीं तो मैं रणजी ट्रॉफी के लिए प्ले हो जाऊँगा ट्रायल के लिए, तो मैं तब जाके ट्रायल दे सकता हूँ। तो लेकिन जब मैं KPL खत्म होने के बाद ट्रायल के लिए देने के लिए आया तो उन्होंने बोला कि हमारा ऑलरेडी इस सीज़न का ट्रायल फिनिश हो चुका है, एक ही ट्रायल था, उससे तीनों फॉर्मेट के लिए हम टीम सेलेक्ट करेंगे। तो फिर मैंने कहा अब एक साल तो मेरे पास है, फिर अगले साल ही हो सकता है, जो भी हो सकता है। फिर मैंने कहा कि अब इस साल अगर इस साल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट ईयर पक्का मैं, चाहे KPL छूटे या कुछ भी छूटे, देखो हायर ले मतलब KPL बहुत टाइम से खेल रहा हूँ मैं, उससे ऊपर जाने के लिए नेक्स्ट स्टेप रणजी ट्रॉफी ये होता है, तो अगर उधर से चांस नहीं मिल रहा तो अपने स्टेट से चांस और उससे ज़्यादा बेटर क्या है मिले, तो मैंने कहा एक ट्राई बनता ही है। फिर उसके बाद आप विजय जारे भी खेले और T20 भी खेले और फिर रणजी भी खेले, तो ये कैसे आपने, जब तक सीमित ओवर की बात थी तब तक तो सबको पता था कि दीक्षांशु खेलेंगे, लेकिन जब आपका रणजी ट्रॉफी के नाम आया था तो काफ़ी बात मतलब होता है ना कि यार T20 प्लेयर है आपने रणजी में ले लिया, लेकिन आपने रणजी में सबसे ज़्यादा रन आया टीम के लिए, तो गेम में एडजस्टमेंट कितना वक्त लगा आपको खुद के लिए, और जो पहले का एक्सपीरियंस था 5-6 साल का KPL खेले थे वहाँ तो इतनी अच्छी लीग होती है, उसने कितनी हेल्प करी? काफ़ी कुछ हेल्प करी है, क्योंकि उधर का जो भी फॉर्मेट मैंने जैसा आपको बताया कि 2 डेज लीग होती थी और उसमें अच्छा करो तो एक 4 डे टूर्नामेंट भी होता है, उसमें दूसरे स्टेट की रणजी ट्रॉफी टीम्स भी आती हैं, तो 3 बार मतलब मैं उसमें भी खेला हूँ, तो वो 4 डे मैचेस रहते हैं, तो उसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, मेनली पेशेंस आपका बिल्ड रहता है, तो वो सब चीज़ें हेल्प करती है आपको अगर फ्यूचर में जो भी मतलब अगर आप जैसे अभी इस बार रणजी ट्रॉफी खेले जैसे मैं खेला हूँ, तो उसमें ये चीज़ सब हेल्प करती है कि आपका पेशेंस चेक होता है, तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। हाँ, वो तो आपके गेम में दिखी भी कई बार, JK वाला मैच मैंने खुद ही कवर किया था, तो उसमें लगा भी गया कि कोशिश मेरी वही थी कि हमेशा मतलब कि जितना देर मैं टीम के लिए अच्छा कर पाऊँ बैटिंग, एज अ बैट्समैन बैटिंग कर रहा हूँ तो बॉलर बॉलिंग कर रहा हूँ, तो जितना हेल्प कर सके टीम को उतना अच्छा है। जैसे 450 स्कोर की हर कोई बात कर रहा है कि सबसे ज़्यादा दीक्षांशु का रन है, क्योंकि उसमें स्टार्ट आपको 350 थे, तो 350 अच्छा मतलब बढ़िया है, लेकिन आपको भी लगा होगा कि कुछ 100 होना चाहिए था जो टीम को ज़्यादा सपोर्ट कर पाता। कोशिश तो मेरी हमेशा वही थी कि जितना मतलब कन्वर्ट कर सके, जितना लंबा खेल सके, लेकिन रणजी ट्रॉफी में ये रहता है कि अभी जैसे हमारा टीम नया है, दूसरे के बॉलर जो हैं वो पेशेंस वाले रहते हैं, वो अच्छी जगह पे डालते रहते हैं, चाहे तुम उनको मारो चाहे कुछ करो, तो एक बॉल पैनिक, वो लोग पैनिक नहीं करते, तो मेन वही रहता है कि जितना देर तक तुम पैनिक ना करो दूसरी टीम को पैनिक होने दो, वही एक टेस्टिंग गेम रहता दोनों तरफ से, अब जो टेस्टिंग में पास हो गया वो सर्वाइव कर गया, मेन वही है। पूरा जैसे पूरा सीजन हम देखते हैं तो अब आप और सौरभ रावत तो बचपन से ही साथ खेल रहे हैं काफ़ी लंबे, तो सौरभ मैंने कोच कन्याल सर से भी बात करी थी तो बोल रहे थे कि दोनों की वो दोनों अगर साथ जितना ज़्यादा साथ खेलेंगे तो उतना ज़्यादा टीम के लिए भी अच्छा रहेगा। अब आप दोनों ने एक मैच में शायद जिनमें उनका 100 था तो उसमें आपका 80 था, तो वो सबसे ज़्यादा शायद सबसे ज़्यादा रन की पार्टनरशिप रही होगी पूरे टूर्नामेंट में, तो उस दौर में आप क्या बात करते थे बीच में, क्योंकि एक दोनों का गेम आप बचपन से ही देख रहे हो? हम यूजुअली मतलब एक दूसरे को वही बैक करते थे कि अगर कोई शॉट कहीं पे वो ढीला लग रहा है तो उसको थोड़ा बात करके वो चीज़ बतानी है कि तू ये चीज़ में थोड़ा ढीला लग रहा है, थोड़ा स्ट्रांग हो जा, काली आउट हो जाएगा, तेरा भी 100 रह जाएगा, टीम का नहीं हो पाएगा, तो एक दूसरे को अवेयर रखना पड़ता है उस टाइम पे कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ कर सकते हैं, कोई शॉट अगर इस सिचुएशन में नहीं मारना है तो वो चीज़ हम आपस में वही चीज़ बात करके जितना लंबा हो सके, क्योंकि अधिकतर मौकों में ये होता था कि जैसे डे खत्म हो रहा है तो आप और वही साथ रहते थे, तो इसीलिए कि फिर उम्मीद यही रहती थी कि हाँ दीक्षांशु आप तो फॉर्म में, आपका फॉर्म ठीक ठाक था, उनका भी 100 आ गया था, तो इसी फिर सर से जब मेरी बात हुई थी सर ने बोला कि अब इन दोनों को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जब आप लोगों के मैच के बाद सर से बात होती थी या तो सर क्या बताते थे कि यार इसको ऐसे डील करो अगर ये प्रॉब्लम आ रहा था ऐसे करो? सर वही बोलते थे कि अपने गेम को बैक करो, पॉजिटिव रहो हमेशा,
कि कुछ भी अगर जैसा कोई भी सिचुएशन है, तुम्हारी टीम चाहे 4 विकेट डाउन है 5 विकेट डाउन है, अगर तुम दोनों उधर हो तो तुम मैच जीता सकते हो. तो जितना देर तुम खड़े रहोगे उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा और तुम्हारे खुद के स्कोर के लिए भी अच्छा रहेगा. देखिए आप लोग रांची गए थे खेलने, वहाँ आप लोग सभी की धोनी से मुलाकात हुई थी, या तो जब उनको मतलब वो तो हर किसी के आइडल हैं, हम लोग हैं, हमारे भी आइडल हैं, देखने वाले के भी आइडल हैं, खेलने वाले के भी आइडल. बहुत लोगों की हुई थी लेकिन और बहुत लोगों की नहीं भी हुई थी, जैसे कि मेरी. अच्छा आपकी नहीं हुई. वो लोग जो जिसको देखना था मिलना था वो उधर ग्राउंड पे बैठा था, मैं तो अपना प्रैक्टिस करके वापस आ गया था. आपने कहा कि पहले गेम है फिर उसके बाद है जो अदर चीज़ें बात. ठीक है, इस बार रणजी सीजन की बात हम करते तो उत्तराखंड के लिए एक बुरे सपने की तरह ही था, तो टीम का माहौल नकारात्मक होगा, लेकिन आप लोग डील कैसे करते थे कि जैसे यार एक सीजन सेशन हो गया या कोई मैच हो गया खराब जा रहा है, डे खराब हो गया, तो उसको दूसरे दिन आके यार यहाँ इसको इम्प्रूव करना है. ऐसे मुश्किल टाइम पे तो हमेशा अपने खुद को बैक करना है, अपना पूरे टीम एक दूसरे को बैक करनी है कि नहीं एक मैच खराब हुआ कोई नहीं अगला मैच अच्छा करेंगे अगला मैच अच्छा करेंगे. तो माहौल थोड़ा वैसा ही बना के रखना पड़ता है फ्रेंडली की, मतलब ज़्यादा मतलब उस नेगेटिव ना फैलाए, तो एक दूसरे को बैक करें, कोई अच्छा कर रहा है तब भी बैक करें, नहीं कर रहा है तो उसको और ज़्यादा बैक की ज़रूरत पड़ती है. क्योंकि अगर किसी को अगर डाउन करेंगे तो समझ लीजिए पहले से डाउन है, स्कोर नहीं हो रहा है, उसको और डाउन करने से अच्छा है कि दूसरे को बैक करके थोड़ा जो भी उसका गेम है वो नेचुरल चीज़ वो चीज़ बाहर लेके आए. तो उस दौरान आप लोगों ने जैसे उत्तराखंड में भी खेला बाहर भी खेला, तो चिल आउट के लिए तो कुछ फनी मोमेंट्स होते रहते होंगे. जैसे मैं जब मैच कवर करने आया था तो मैं देख रहा था कि करण भाई और वो शर्मा जी लगे पड़े थे कि हाँ टीम का मोरल, मैंने पूछा उनसे कि ये क्या चल रहा है, तो बोले कि यार पूरा वो मार रहा है छक्के तो क्या करें, सबके सब डाउन हो जाएंगे, हमें लास्ट दिन तक मैच खेलना है. तो आप लोग क्या करते थे जब इन्वॉल्व होना पड़ता? हम लोग यूजुअली मतलब ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं है, हमारी टीम में जैसे एक मैंग था वो माहौल बना के रखता था, उनके नाम सुनते ही हर किसी मुंह में मुस्कान आ जाती है, कुछ ना कुछ वो बोलेगा ऐसा, कुछ ना कुछ करेगा ऐसा, वो हो गए मतलब कुछ दो तीन बंदे ऐसे टीम में होते हैं हर टीम में कि जो टीम का माहौल थोड़ा अच्छा रखते हैं, खुश मिजाज रखते हैं, सब मतलब इंपॉर्टेंट भी है कि जिस स्टेज में आप लोग थे. देखिए भाई आप लोग जैसे मैच तो अब सीजन तो ख़त्म हो गया, तो मेरी कितने से जो भी सीनियर हैं जैसे हम लोग देखते हैं वो अलग है, कहना बहुत आसान है कि टीम सारे मैच हार गई, लेकिन जब सीनियर से या पूर्व क्रिकेटर्स जो थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला ये भी बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, जितना आप लोग खेलेंगे तो उतना बेटर रहेगा. तो आप लोग कैसे डील करते थे इन चीज़ों से कि यार अभी चलो ये तो मतलब बहाने तो नहीं है लेकिन हमें इनसे सीखना है, और जब सीजन ख़त्म हुआ था पूरी टीम के साथ जब आप लोग की बात हुई तब क्या बात हुई? यही बात हुई कि कोई नहीं, सीजन जो भी था हमारे एज अ लर्निंग था, तो हमारा एक्सपीरियंस वर्सेस लर्निंग का मैचेस चल रहे हैं. कुछ कुछ मैचेस में हम अच्छा किए, तीन चार मैच टुकड़ों में अच्छा हुआ है, अगर वही चीज कंबाइंड अगर अच्छी होती है तो रिजल्ट भी अच्छे होते हैं. तो वही चीज़ है कि नेक्स्ट ईयर तुम अगर प्रिपरेशन करना है तो तुम्हें अभी पता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तो उस चीज़ के हिसाब से तुम प्रिपेयर कर सकते हो नेक्स्ट सीजन की, तुम्हें अभी किस एरिया पे तुम ज़्यादा आउट हो रहे हो, बॉलर किस एरिया में मतलब ज़्यादा मार खा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज़ इंप्रूवमेंट तुम्हें करना है वो तुम्हें आइडिया हो चुका है, तो उसके हिसाब से तुम प्रिपेयर करके तुम्हारे पास एक साल है तो तुम कैसे कम बैक करते हो तुम्हारे ऊपर है. इस भाई अब बात करते हैं हम लोग की कैसे जब आपका सीजन ख़त्म हो गया तो आप जब अकेडमी जाते हो तो बच्चे कैसे एक्साइटेड रहते हैं कि पूछते हैं, तो अब आपको लगा है कि हाँ थोड़ा जब से एफिलिएशन मिला है जब से गेम इंप्रूव है उत्तराखंड में तो बच्चों का स्तर भी बढ़ा है कि पूछने उनके क्वेश्चन अलग हुए होंगे या पहले से जैसे आपको कितना अलग लगा कि उत्तराखंड का क्रिकेट बदला है एफिलिएशन के बाद से? एफिलिएशन के बाद से यूजुअली बच्चों का नंबर पे इंक्रीज हुआ है, जितने और जितने दिमाग होंगे उतने सोच होंगे उतने क्वेश्चन होंगे, तो हर किसी का अपना चाहे वो क्वेश्चन स्टूपिड हो या नॉर्मली हो जवाब तो देना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन के हिसाब से ही होता है कि उसकी और उसकी मेंटल अभी सिचुएशन की कितना छोटा है तो उसको किस हिसाब से डील किया जाए, तो वो जितना बड़ा होगा तो उतना मैच्योर वो चीज़ समझने में उसके लिए ईजी रहेगा, छोटा होगा तो उसको स्टार्टिंग से समझाना पड़ता है, तो तभी वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है वो किसी भी चीज़ पे काम. अब तो जैसे सीजन ख़त्म हो गया है और पिछले बार आपने अपनी क्रिकेट की पारी स्टार्ट करी थी, इस बार अभी नई पारी चालू होने वाली है आपकी, तो उसको लेके काफ़ी बधाइयाँ आपको मिल रही होंगी. काफ़ी बधाइयाँ तो मिल रही है लेकिन कोरोना का ज़्यादा अटैक कभी, तो इसलिए वो चीज़ में अभी बहुत सारे काम ऐसे हैं तो वो चीज़ भी देखना पड़ रहा है और खुद ज़्यादा काम करने पड़ रहे हैं क्योंकि घर वालों तो ज़्यादा घर के काम में बिजी हैं, तो बाहर वाले जो भी काम होते हैं खुद ही करने पड़ते हैं. जिस वजह जैसे हम लोग को बच्चे देख रहे हैं जो भी देख रहे हैं तो उनको आप क्या मैसेज दोगे, क्योंकि जब आप लोगों ने अपनी क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो वहाँ कोई संसाधन नहीं था, अब तो इतनी चीज़ें बन गई, हल्द्वानी में ग्राउंड है, टर्फ का विकेट आ गया है, तो आप उनको क्या बोलेंगे बच्चे को जो हम लोग को देख रहे हैं? मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो आपको जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही है उनका प्रॉपर यूज़ करें, अपने टाइम का प्रॉपर यूज़ करें. कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करते रहोगे लेकिन गलत करोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, चाहे सही चीज़ करो थोड़ी देर करो लेकिन ढंग से करो.
मैं यही बोलना चाहूँगा उनको कि अपना मतलब मेंटल फोकस और क्रिकेट क्रिकेट को लेके मेंटल फोकस आपका एक जगह रहना चाहिए, बाहर की चीज़ों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं। अगर क्रिकेट में ग्राउंड पे हैं तो ग्राउंड पे ही फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान न दें। दीक्षु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम लोगों के लिए टाइम निकाला। आपसे बहुत लंबे समय से मैं बात कर रहा था कि टाइम दे दो। तो उम्मीद करते हैं कि आपका अगला सीजन जो भी रहेगा और नई पारी जो आप शुरू करने वाले हैं बहुत अच्छी रहेगी। तो दीक्षु भाई जो भी व्यूअर्स हैं हमारे उनके बोलिए कि नो एक्सक्यूज पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। Please guys subscribe to No Excuse and share also if you can. चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई नए क्रिकेटर के साथ। थैंक यू।